अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज वीडियो हम बनाएंगे गाड़ी की कि गाड़ी की बेस्ट माइलेज कैसे मिलती है। क्योंकि मैं जब भी ट्रैवल पे जाता हूँ तो मेरे से क्वेश्चन मेन यही होता है कि गाड़ी की आपकी माइलेज क्या आती है। क्योंकि मेरे पास जैपनीज़ गाड़ी है और जैपनीज़ गाड़ी में लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, इसकी माइलेज बड़ी अच्छी होती है। तो 20+ कैसे देते हैं वो बताऊँगा मैं, और इसका एक इको आइडियल सिस्टम होता है उसके बारे में मैं बताऊँगा। चलिए, ये हम सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं और इसमें से इसकी जो ट्रिप का जो डिस्प्ले है उसको ज़ीरो कर दिया हमने। सबसे पहले इसका ये काम किया और फिर इसके आगे जो ये माइलेज दे रही है इस वक्त 20.3 दे रही है। तो ये एवरेज है, कभी ज़्यादा भी हुई थी कम भी हुई थी, लेकिन एवरेज मेरी 20.3 आ रही है। लेकिन मैं आपको अपने ट्रिप के बताने के लिए कि इस ट्रिप में कितनी आई है बेस्ट, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फिर आप देख भी सकते हैं उस ट्रिप में कैसी ड्राइव हुई थी। तो उसको आसानी के लिए मैं इसको ये ज़ीरो कर दिया मैंने। अब इसको चलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रिप मीटर ज़ीरो इसलिए किया था कि ताकि पता चल जाए कि कितनी डिस्टेंस पे हमने उसकी माइलेज ये ली है जो हम अब लेंगे। अब ये मीटर पे आप देख सकते हैं ये डिफरेंट आ रही है इसकी रीडिंग्स। अभी देखें 13.6 पे आ गई है ये, और जैपनीज़ गाड़ियों में ये सेंटर में कलर होता है, जैसे ये इकोनॉमी स्पीड पे चल रही होती है तो ग्रीन होता है, इसका मतलब है कि फ्यूल इकोनोमाइज हो रहा है इसका। मैं जैसा तेज़ किया मैंने ये सेंटर से ये लाइट हो जाता है ज़रा, और तेज़ करेंगे तो ये वाइट हो जाता है। तो अब ये देखें दोबारा ग्रीन हो गया, लेकिन इससे माइलेज देख रहे हैं आप कम हो रही है। 13.6 से 11.6 आ गई है। स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, आपने ब्रेक लगानी है तो उससे भी माइलेज कम होती है। तो एवरेज किस तरह करना है आपने, अब देख लें सामने सिग्नल रेड नज़र आ रहा है आपको, तो मैं गाड़ी यहाँ पर और स्लो कर लूँगा, अपना एक्सीलेटर बहुत कम पे रखूँगा मैं कि ताकि बेस्ट माइलेज रहे, और मैं ब्रेक भी कम लगानी पड़े। ब्रेक कम लगाने का फ़ायदा दो हैं, एक तो माइलेज भी बेहतर होती है और दूसरा ये है ब्रेक पैड्स नहीं घिसते उसके। अब तेज़ स्पीड पे करके एंड पे जाके ब्रेक लगाते हैं, उससे माइलेज भी ख़राब होती है, गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है और ब्रेक पैड्स का भी नुकसान होता है, उससे जल्दी ख़राब होते हैं, घिसते हैं, और फिर वो ब्रेक डिस्क वगैरह जो है ना उसकी ज़्यादा घिस जाती है। अभी सिग्नल आ रहा है, इको आइडल सिस्टम इसका ऑन है। मैंने ब्रेक दबाई और ये देखने आइडल स्टॉप आ गया इसका। अब इस वक्त गाड़ी का इंजन बिल्कुल ऑफ है और ये बता रहा है कितने सेकंड्स के लिए ऑफ है। इस वक्त हीटर ऑन है गाड़ी का, इसको ऑफ कर देते हैं क्योंकि ये गाड़ी की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही हैं ये चीज़ें। इसको लाइट्स अगर ऑन है, अगर आप वो तो नहीं ऑफ कर सकते, लेकिन ये हीटर इस तरह ऑन था तो ये लाइट कंज्यूम कर रहा था, मैंने ऑफ कर दिया उसको। अभी ये 30 सेकंड्स हो गए हैं इसके और ये अभी तक गाड़ी ऑफ है। तो इससे जाहिर सी बात है गाड़ी ऑफ है तो माइलेज बढ़ेगी। देखें ठीक 1 मिनट 10 सेकंड के बाद इको आइडल जो है ना वो इसका ऑफ हुआ और मैंने एक्सीलेटर पे पाँव रखा, ब्रेक से उठाकर इको आइडल ऑफ हो गया खुद ही और गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी। अभी रोड यहाँ से क्लीन है बिल्कुल, तो जब रोड क्लीन होती है तो आपकी जो स्पीड होती है इकोनॉमी स्पीड वो 80 के अराउंड होती है, 10 प्लस माइनस हो सकती है अगर तो रोड स्ट्रेट है, मतलब अपवर्ड नहीं है, तो 80 प्लस माइनस होती है 10 से। अगर रोड अपवर्ड हो तो फिर जाहिर सी बात है वो नीचे आ जाती है, डाउनवर्ड हो तो फिर बढ़ भी जाती है, 100 तक भी इकोनॉमी चली जाती है। हाँ जी, इसकी माइलेज अब 20 को टच करने लगी है। और देख लें आप इसका आरपीएम, वो मैंने 2 से ऊपर नहीं जाने दिया, 2.5 से। और अगर दूर से कोई मुझे रुकावट नज़र आ रही है, कोई सिग्नल ऑफ है या कोई ट्रैफिक का रश आ रहा है, तो मैं वहाँ इससे पहले ही कोई 2-3 किलोमीटर पहले जहाँ से मुझे नज़र आ रहा है मैं वहाँ से उसका एक्सीलेटर ऊपर उठा लेता हूँ। आप ज़ीरो देख लेते हैं आरपीएम मीटर इसका, देखें मैंने इस वक्त उठाया हुआ एक्सीलेटर से पाँव। अब मुझे थोड़ी सी क्लियरेंस नज़र आई है, मैंने थोड़ा सा दिया लेकिन मैंने 2.5 से ऊपर नहीं जाने दिया। गाड़ी की माइलेज जो इसकी पर लीटर है वो मुसलसल बढ़ रही है। अब सामने आप देख लें, मुझे थोड़ी सी ट्रैफिक नज़र आई है तो मैंने इसका एक्सीलेटर उठाना शुरू कर दिया पाँव से। अब सिग्नल दूर जो है ना वो काफ़ी वो ऑन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पास जाके ऑफ हो जाएगा, तो मैं पहले ही स्लो करने लगूँ इसको। मैं तेज़ नहीं चला रहा, बिल्कुल अपनी स्पीड पे जा रही है एक्सीलेटर के बगैर। अब हल्की हल्की सी इसको ब्रेक अप्लाई की, राइट मोड़ना है, मैंने सिग्नल दिया उसको। यहाँ से इको आइडल ऑन हो गया इसका और टोटल इको आइडल बता रहा है 1.15 हो चुका है। इसको बढ़ाने के लिए टाइम मैं इसका हीटर ऑफ करने लगा फिर से, ये देखें। और लाइट्स ऑन, अभी ऑफ़ कर सकता हूँ मैं, लाइट्स ऑफ हो गई, ऑन हो गई हैं क्योंकि ऑटोमेटिक लाइट्स हैं, ये ऑन हो गई हैं, इसको ऑफ़ कर सकता हूँ मैं क्योंकि अभी इतनी रात नहीं हुई है। एक मिनट और 10 सेकंड पहले था और इतना ही अब इसका हो गया टाइम, तो ये टोटल बता रहा है। अब मैंने ऑन कर दिया और मैंने क्योंकि राइट टर्न करना है, मैं गाड़ी थोड़ी सी आगे कर ली है। इको आइडल जो है इसका बार बार ऑन नहीं होता, अभी मुझे स्टार्ट करके आगे करनी पड़ी थी तो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको इतना भी ज़्यादा इसको इंगेज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं है। ये अब मैं अंदर आ चुका हूँ, ये देखें। अभी स्पीड ब्रेकर्स भी थे और चेक पोस्ट भी थी, वहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ कि थोड़ा सा मुझे वहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ी है, इको आइडल ऑन नहीं हो सका था वहाँ पे, और स्पीड ब्रेकर्स और भी आ रहे हैं आगे। तो ये एंड में हम अपने नज़दीक आ गए अपनी जगह के जहाँ से चले थे, तो एंड में आपको बताते हैं कि ये हम इसकी बेस्ट माइलेज हमने कितनी निकाली है इसकी। ये जहाँ से हम चले थे हम वापस एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आ गए हैं, सामने आप देख सकते हैं। और इस वक्त मेरी जो माइलेज आई है वो 21.1 आई है, और ये मैं देखूंगा कि मैंने कितने ट्रिप पे आई है। 7.5 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई। तो व्यूअर्स 7.5 किलोमीटर गाड़ी चलाई है मैंने, जिसमें 2 सिग्नल्स थे, स्पीड ब्रेकर्स भी थे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन नॉर्मल ट्रैफिक थी, और उसमें मुझे माइलेज मिली है 21.1 किलोमीटर। तो अगर ये कम ट्रैफिक हो और लंबी सड़क मिलेगी मुझे तो ये बढ़ भी जाएगी, 25 तक भी चली जाएगी, लेकिन अगर मैं ट्रैफिक में फंसूंगा और बार बार इको आइडल नहीं ऑन होता, क्योंकि उसको ऑन करने के लिए भी, क्योंकि एक बैटरी सिस्टम होता है, बैटरी सिस्टम इसका अपना नॉर्मल सिस्टम है, इसमें एक्स्ट्रा बैटरी नहीं होती, वो छोटी बैटरी है क्योंकि उस गाड़ी की छोटी गाड़ी है, तो उस गाड़ी का जो सिस्टम है वो बैटरी में शिफ्ट हो जाता है। अगर वो बैटरी चार्ज नहीं है तो इको आइडल फिर ऑन नहीं होता, तो जितनी चार्ज होती है उसके मुताबिक उतना टाइम दे देता है इको आइडल, तो इसलिए बार बार ऑन नहीं होता। तो जितना ऑन किया मैंने उसको, उसमें मुझे 21.1 एवरेज मिली है उसकी। तो इस गाड़ी को फ़ायदा यही है कि आप माइलेज इसकी आराम से 21 या 20 प्लस ले जाते हैं इसमें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपने इससे सीखा भी होगा कि हम इसको बेस्ट माइलेज कैसे ले सकते हैं, ब्रेक का मिनिमम यूज़ कैसे करना होता है कि सेफ़्टी भी रहे, ये नहीं हो कि ब्रेक मिनिमम कर रहे हैं और सेफ़्टी से नहीं हम चला रहे गाड़ी, सेफ़्टी भी रहे और अच्छा उसकी माइलेज भी रहे, और उसकी जो डिस्क हैं वो सेफ़ रहें, पैड सेफ़ रहें, गाड़ी के ब्रेक के बहुत ज़्यादा फिर चेंज करने पड़ते हैं और वो एक्सपेंसिव होते हैं, जो इम्पोर्टेड आते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। आज की वीडियो के लिए बहुत शुक्रिया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।